Students of 7th class, we are studying chapter number 5, understanding our media. Okay, हम media को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसी की बेला में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पे आज क्या दिया है. A agenda in journalism is list of information in order in which they need to be taken up by the newspaper, television channels or other media agencies. Agenda एक ऐसी बोल सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो एक बताता है कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस चीज़ को नहीं देनी चाहिए. यानी आपने सिंपल सा एग्जांपल, आपने आज तक जितने भी न्यूज़पेपर पढ़े हैं क्या वो सारे एक जैसे होते हैं? चलो आज का ही उठा लो कि आज के दो तीन न्यूज़पेपर आप देख लेना, आपको उन तीनों में क्या अंतर दिखेगा? जिन्होंने जो खबर फ्रंट पेज में, हाँ खबरें सब छापते हैं बट लेकिन खबरों में आपको डिफरेंस दिखेगा. सो यही कहलाता है एजेंडा, यानी एक मुद्दा. ओके, कि इन लोगों के लिए सबसे गरम मसाला बोल सकते हैं क्या है जो वो फ्रंट पेज में छापते हैं, वो होता है पूरा का पूरा एडिटर के हाथ में. ओके, सो यहाँ पे आपको दो रिपोर्ट दी है, आपको देखना है कि कुछ क्वेश्चंस उसके आंसर्स भी देखने हैं. ठीक है, नेशनल न्यूज़ फ्रंट पेज, ये नेशनल न्यूज़ का दिया है फ्रंट पेज. क्या दिया है? बॉलीवुड वेडिंग्स, मुंबई 9 अगस्त 2018, बॉलीवुड इन दिसंबर 2018 हैज़ बीन इन न्यूज़ नॉट फॉर इट्स फिल्म बट वेडिंग्स. द टॉप पर्सनैलिटीज ऑफ बॉलीवुड टाइड द नॉट एंड नाउ they are busy in throwing parties one after the other. It is believed that these couples will visit all the famous temples of India. इन लोगों ने बिल्कुल फ्रंट पेज पे छाप दिया कि इस बार बॉलीवुड में वेडिंग्स ही वेडिंग्स हो रही है. यानी अभी बॉलीवुड में जो मस्त चल रहा है वो यही है कि टॉप पर्सनैलिटीज शादियों में लगी हुई है और फिर वो लोग हो सकता है कि अपने घूमने फिरने के लिए सारे इंडिया के टेम्पल्स जाएँ. फ्लड्स इन केरला, ये नेशनल न्यूज़ है, इसने फ्लड्स इन केरला को फ्रंट पेज पे छापा है कि केरला 9 अगस्त 2018 सर्वर फ्लड्स अफेक्टेड इन द साउथ इंडिया स्टेट ऑफ केरला ड्यू टू अनयूजुअल हाई रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. इट वॉज फर्स्ट फ्लड इन केरला इन नियरली अ सेंचुरी. ओवर 483 पीपल डाइड एंड 14 वर मिसिंग. सो इधर बहुत बड़ा एक इंसिडेंट छपा है कि केरला में बाढ़ आई है और बाढ़ के कारण इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने मिसिंग है, मानसून सत्र इधर बहुत भारी पड़ा. डू यू थिंक फर्स्ट न्यूज़ शुड बी हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर? आपको लगता है कि नेशनल पेपर के हेडलाइन फर्स्ट न्यूज़ होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? आपको क्यों लगता है कि ये बॉलीवुड्स की न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है? Why didn't the newspaper cover the page 7 news on the front page? इन्होंने फ्रंट पेज पे न्यूज, नेशनल न्यूज़ ने फ्रंट पेज पे बॉलीवुड को रखा और सेवेंथ पेज पे ये इतनी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को छापा. तो क्या आपको लग रहा है कि इन्होंने सही किया? अगर सही किया है तो आप रीज़न दो. मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये बिल्कुल भी काम की न्यूज़ नहीं है जो इम्पॉर्टेंट लोगों को जागरूक, मतलब जानना चाहिए. हो सकता है केरला में इन लोगों के बहुत सारे रिलेटिव्स हो, आपके कोई फ्रेंड्स हो जिसको आप हालचाल पूछना चाहो कि आपको पता तो चले कि आपके देश में क्या चल रहा है. सो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रंट पेज डिसर्व करती थी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सेटिंग ऑन एजेंडा, एजेंडा कैसे सेट किया जाता है? मीडिया कोई भी एक हेडलाइन ले लेती है जिस पर डिसाइड होता है कि वो लोग इसी को माइंड में रख के या टारगेट ऑडियंस को रख के कि एक न्यूज़ कैसे बनती है. क्या आपको पता चला है कि ये ऐसा ऐसा कोई मामला हुआ है? अब उसको लिखने वाला क्या करेगा? ऑडियंस को दिमाग में रखेगा, यानी आप लोग जो उसको रीड करते हो तो उनको माइंड में रखेगा और देखेगा कि उन लोगों के लिए क्या इस घटना में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके अकॉर्डिंग वो उसको लिखेगा, उस इंफॉर्मेशन को एग्रॉस करेगा, आगे परस्यूट करेगा. और ताकि ये पब्लिक को पसंद आए तो ज़्यादातर एडिटर्स पब्लिक की पसंदीदा चीज़ ही लिखते हैं, वही इंफॉर्मेशन देते हैं जो उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट जागे जिससे. और यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक होता है नेशनल मीडिया, दूसरा होता है लोकल मीडिया. एजेंडा जो नेशनल मीडिया होता है वो सम न्यूज़ ऑफ स्मॉल प्लेसेस नेग्लेक्टेड इन द नेशनल नेटवर्क ऑफ प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया. जब नेशनल मीडिया चलता है तब वो स्मॉल प्लेसेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि स्मॉल टाउन्स उन लोग के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते और ना ही ये पॉसिबल होता है कि वो इतनी वास्ट कंट्रीज़ में, वो एक एक गांव में जाके क्षेत्र में कोई न्यूज़ ढूंढे. ओके, सो जो लोकल न्यूज़ होती है वो यहाँ पर काम करती है कि जो लोकल एरियाज़ है वहाँ पर वो जितनी एक्टिविटीज़ हो रही है, गलत काम हो रहा है, उन सब के बारे में लोगों को जागरूक करे. और लोकल मीडिया ऑल्सो फेल्स टू टेक अप द नेशनल न्यूज़, और लोकल मीडिया भी फेल हो जाती है नेशनल न्यूज़ लेने में क्योंकि उनकी टारगेट लोकल लोग होते हैं, इसलिए वो नेशन वाइड कुछ नहीं जान पाती.
It has been noticed recently that the more important news is sidelined for a show that can earn money through advertisement. The promoters, channel newspapers, sensational news of powerful and famous people get more cover than the news of the poor farmers. यहाँ पर आजकल देखा गया है कि ये चलन बन गई है कि लोगों जो गरीब है, जो नीडी लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, इन लोग के बजाय जो मतलब फैक्टली न्यूज़ है उसके बजाय ये लोग उन चीज़ों को ज़्यादा छापते हैं जो अपनी बुक्स हो सकती है, कुछ नई निकली हो और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो तो वो विज्ञापन करा सकता है अपने पैसे देके कि फ्रंट पेज पे मेरी बुक का प्रमोशन करो, और कोई हो सकता है नया प्रोडक्ट आया हो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर का काम क्या है, एडिट करना। अगर उनको अच्छी पैसे मिल रहे हैं किसी न्यूज़ के लिए तो वो ऑब्वियसली उसको एडिट करेंगे फ्रंट पेज पे, और फ्रंट पेज पे एडवर्टाइजमेंट का इतना दौर है, आप देख ही सकते हो कि न्यूज़पेपर में करीबन 1.5 से 2 पेज तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही जाते हैं। सो, ये तो आजकल का फैशन बोल सकते बन गया है। और लास्टली क्या होता है कि कंज्यूमर तक सही बात नहीं पहुंच पाती और वो लोग गलत चीज़ों के कारण इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब उन्हें जो मुद्दा जल्द पता चलना चाहिए वो क्या करते हैं, इन सब में उनको एंगेज कर देते हैं, इन सब में एंगेज होकर वो रह जाते हैं। क्या मालूम 7th पेज तक कोई जाता भी होगा या नहीं, और जाता भी होगा तो हेडलाइन देख के फिर हो सकता है कि वो उसका ख़त्म हो गया मूड पढ़ने का, तो ये भी बात है। तो हमारी जो मीडिया है वो ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ दिखाए और परफेक्टली अपना काम करे ऑनेस्टी से। As we have seen, newspaper television channels fail to give total view of the world. We should always be aware of the large world that does not fall in the agenda of the media. यहाँ आप जब देख रहे हैं कि ये newspaper television में ऐसा कुछ चल रहा है तो आप अपने जो बोलते हैं अंदर की अवेयरनेस को मारना नहीं, आपने अपनी मीडिया पे भरोसा रखना है। आगे जाके आपको कहीं ना कहीं इसका कुछ इंटरेस्ट आप एजेंडा में लाओ कि क्या अभी चल रहा है। We should enjoy the programs or news that interest us, but at the same time we should question what we read, see or hear whenever required. और अगर आप सारे programs देखो, enjoy करो, but लेकिन जहाँ पे आपको question करना चाहिए, जहाँ पे आपको आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ पे लगता है कि ये गलत हो रहा है, so please be on that situation strong. Okay? So either let's try 3 मैं आपको provide कर दूँगी. Here a small snapshot of your a whole chapter, role of media. We have read about role of media, technology in media, media in a democracy, and that last agenda. Agenda kaisa hona chahiye, kya hona chahiye? I am a citizen mein kya diya hai ki George Bernard Shaw once said that seniorships exist to prevent anyone from challenging current conceptions and existence institutes. The Press Council of 1966 and Right to Information Act support the freedom of media and curbed corruption. Research about this act and write the important points. एक एक्ट आया था 1966 में जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये मीडिया के लिए ही लाया गया क्योंकि मीडिया को उस दौरान बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था, सच दिखाने के चक्कर में उन लोगों की जानें भी जा रही थी, और ये अभी भी बदला नहीं है कुछ। यहाँ भी फ्रीडम जो मीडिया को आज भी बहुत कम है, जर्नलिज्म आए दिन मारे जाते हैं, ये आप न्यूज़ में सुनते ही होंगे। तो ये मुद्दा अभी भी ये एक्ट के कारण कुछ हो सकता है कि सुधार आया हो, बट लेकिन मोस्ट ऑफ इससे कुछ इसका फ़र्क नहीं पड़ पाया। जो सेंसरशिप है वो आज भी एग्जिस्ट करती है और ये सबसे चैलेंजिंग चीज़ है हमारे देश के लिए। बियॉन्ड अवर बॉर्डर डेमोक्रेसी, एक फ्री मीडिया की, एक मीडिया को फ्री रखना चाहिए, और यहाँ पर कंट्रीमैन का भी यही काम होता है कि अपने मीडिया को सपोर्ट करे। जैसे कि आपको पता है कनाडा और यूएसए में सेंसरशिप आज भी प्रेजेंट है। सेंसरशिप वो होती है कि जिसमें एक पर्टिकुलर इंसान सारी रिपोर्टिंग तैयार करे जिसके बारे में उसे गलत लग रहा है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, ये इनको देती है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस पर इन्वेस्टिगेट करती है और उसको बिल्कुल छापती, क्योंकि देखो ये बात भी है कि न्यूज़ में गलत बातें भी शोन हो जाती है। सो, ये वाली चीज़ भी यहाँ पर आ गई। और यूएसए पेट्रियोटिक एक्ट जो लाया गया था अमेरिकन कांग्रेस से ताकि वो टेररिस्ट अटैक को जो न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में 11 सितंबर में हुआ, उन सबका जानकारी पूर्ति की जाए कि जो बताया गया है वो सच है कि नहीं, तो इसके लिए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का संगठन किया गया और इन्होंने पूरी सच्चाई निकाली। तो आपको भी ऐसे ही कुछ करना है कि ऐसा कुछ बताओ 2-3 इंसिडेंट्स के बारे में जिसके बारे में इन्वेस्टिगेट में पूरा ही मामला बदल गया, कि जो दिखा रहे थे वो कुछ भी नहीं निकला, कुछ और ही उसमें बात चल रही थी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर. गुड बाय ऑल ऑफ यू.